हाय राकेश। यस सर। आज क्या बताने वाले हैं? जी देखिए, हमारे सामने एक मशीन दिख रही है जो जिसको बोलते हैं पिलर ड्रिल मशीन, इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या नाम है इसका? पिलर ड्रिल मशीन। ये क्या काम करती है? इसे हम ड्रिलिंग करने के लिए, किसी जॉब में होल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके पार्ट्स के नाम होगा क्या? इसका पार्ट्स का नाम देखिए, यहाँ से जो दिख रहा है इसको बॉडी ग्रुप बोलते हैं हम लोग। टोटल को बॉडी को बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है पिलर के जैसा, इसको कोलम बोलते हैं। कोलम? जी, इसको कोलम बोलते हैं। ठीक। और ये पीछे इधर है, और पीछे जो इधर दिख रहा है इसको मोटर बोलते हैं। मोटर लगा है? जी, मोटर लगा है। इलेक्ट्रिक मोटर है? इलेक्ट्रिकल मोटर है। और इसके बॉडी को खोलेंगे तो देखिए, इसमें एक पुली लगा हुआ है, ये पुली है। और इसमें बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट है। और पीछे मोटर में भी पुली लगा हुआ है। ठीक। इधर चले देखिए, इसको बोलते हैं वर्किंग टेबल। वर्किंग टेबल? जी, इसको बोलते हैं वर्किंग टेबल। इस टोटल को वर्किंग टेबल बोलते हैं। ये क्या रखा हुआ है इस पे? इसको वाइस, वाइस है ये, ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस है जी। इसी पे किसी जॉब को बांध देते हैं और जॉब को ड्रिलिंग करते हैं। और ये क्या है ये कटिंग? ये ड्रिल बिट। ड्रिल बिट जो स्पिंडल में फिट होता है। क्या नाम है इसका? स्पिंडल। स्पिंडल जी। इसमें चौक भी होता है, लेकिन इसमें चौक नहीं दिया है, ड्रिल चौक नहीं दिया हुआ है। इसमें स्पिंडल में डायरेक्ट इसको एडजस्टमेंट कर दिया गया है। और जो इसको पकड़ रहे हैं, ये फीड हैंडल हो गया है। हैंडल है जी, फीड हैंडल है। अच्छा। और इधर जो ये दिख रहा है आपको, हाँ, ये गेज है। गेज? हाँ, जी। किसी जॉब में हम कितना गहरा करेंगे, गहरा ड्रिलिंग, तो गेज के माध्यम से हम घटा बढ़ा लेते हैं। ये जो गेज दिख रहा है, ये गेज हुआ हमारा। ये इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है। जी जी, गेज है, मैंने कि कितना एमएम हमको ड्रिलिंग करना है किसी जॉब में। अच्छा, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग 1 2 फिट कर लेते हैं। इसको ऑन करके दिखाएगा? ऑन करके दिखा रहे हैं कि ना। अच्छा। जो नीचे दिख रहा है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाला पार्ट को बेस बोलते हैं। बेस जी, इसी पर पूरा हमारा मशीन टिका हुआ है, इस बेस के माध्यम से। ठीक। और ये देखिए, एडजस्टेबल स्क्रू है, बड़ा घटा सकते हैं। अब हम इसको चालू करके आपको दिखा रहे हैं कि मशीन कैसे हमारी चालू है। यहाँ से MCB से लाइन डायरेक्ट कर दिए, MCB ऑन किए, मशीन हमारी चलने लगी। दिख रही है मशीन चल रही है। और टोटल मशीन को हम लोग कंट्रोल करते हैं MCB के माध्यम से। MCB से जी, मोटर में लाइन देते हैं, MCB को ऑन करते हैं और मोटर लाइन काटते हैं। तो आवाज बहुत कम है ना? आवाज नहीं करता ये? कम कर रहा है। ठीक है, हाँ, बंद कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe, watch more and more videos on Sir ITI YouTube channel. And if you have any query, please comment below, share with your friends and like this video. And at the end, thanks for watching.